लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में 3 दिन के लॉकडाउन को लेकर एसएसपी सचिंद्र पटेल ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि खरीदारी करते समय आवश्यक दूरी बनाए रखें। मेडिकल स्टोर वालों को भी यह कहा गया कि काउंटर पर सिर्फ एक आदमी को ही आने दें, बाकी लोगों को 1 मीटर दूर खड़े होने को कहें। सब्जी खरीदते समय भी झुंड बनाकर सब्जी ना खरीदें। वहीं एसएसपी सचिंद्र पटेल ने कहा कि बिना काम के जो लोग बाइकों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सर, अब घोषित हो गया है 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद रहेगा, क्या क्या एहतियात लोग बरते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को किसी भी अफवाह को न फैलना है, ना उसको क्रिएट करना है। किसी भी तरीके की पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी बिक्री, उनकी उपलब्धता पर्याप्त है। तो एक तो लोगों को इस बात पर ध्यान देना है। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेडिकल स्टोर वगैरह पे जब लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल झुंड में खड़े हो जा रहे हैं। तो ये मेडिकल स्टोर वालों को भी बताया गया है कि अपने यहाँ एक एक काउंटर पर एक एक व्यक्ति को ये अलाउ करें, और बाकी जो उनके लोग पीछे खड़े हैं उनको 1-1 मीटर कम से कम दूरी पर खड़ा करें, ताकि जो कोरोना वायरस के संदर्भ में जागरूकता फैलाई जा रही है उसको वास्तव में लोग देखें कि हाँ, इसकी आवश्यकता कितनी है लोगों की। इसके अतिरिक्त जो कल 3 दिन तक हम लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में आवागमन को रेस्ट्रिक्टेड करना है, उसके लिए पर्याप्त हमारे अंतर जनपदीय जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने बैरियर्स अपने लगाए हैं। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ताकि लोग केवल अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलें। सभी लोगों से बताया जा रहा है घर के अंदर रहें और अपने फैमिली के बीच में रहें। सर, वैसे तो जिला प्रशासन ने एक नंबर का पब्लिक को दिया है कि अगर उनको कोई परेशानी हो तो वो उस नंबर पर सूचित करें। कुछ बच्चे हैं और कुछ वृद्ध हैं, ओपीडी बंद है, अगर इधर उधर वो जाती हैं तो क्या पुलिस उनकी मदद करेगी? देखिए, अगर मेडिकल इमरजेंसीज हैं तो उसमें बिल्कुल पुलिस उनकी मदद करेगी। 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी आवश्यकताएँ हैं, अपरिहार्य हैं, तो उनको बिल्कुल हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी दूसरे प्रदेशों, दूसरी जगह पे इसी प्रदेश में ऐसा देखने में आया है कि सघन वाहनों की भी चेकिंग की गई है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग लड़के वैसे ही तफरी लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग इस पे सख्ती रख रहे हैं और हमने इसको अभी से चालू करा दिया है। बिना मतलब के अगर कोई बाहर घूमेगा तो उसके ऊपर हम लोग नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। उसके लिए सचेत भी कर रहे हैं और उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकले। ये पैनिक होने की लोगों को आवश्यकता नहीं है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे दूध है, सब्जी है, आटा है और दवाइयां हैं, इनकी दुकानें सुबह भी पुलिस की अभिरक्षा में खुलेंगी? बिल्कुल, किसी तरीके की पैनिक बाइंग की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक वस्तुएं, दूध हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। लेकिन लोगों से अपील ये है कि लोग पर्याप्त दूरी बनाकर खरीदारी करें और उसको हम लोग इंश्योर कराएंगे। पुलिस की विजिबिलिटी और प्रेजेंस वहाँ पर रहेगी।